हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मोट कचौड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो दिल्ली की बहुत ही फेमस स्ट्रीट स्टाइल फूड है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसकी सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, और इसके साथ ही ये आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच साबुत धनिया ले लिया है। पहले इसे हाथ पे मसल दें। देखिए धनिया जो हल्की हल्की टूट गई है, अब इसे डाल दें तेल में। और इसके साथ ही दो तेज पत्ते, दो सूखी लाल मिर्च और ये हरी मिर्च दो, मैंने इसको लंबा लंबा कर लिया है, इसे डाल दें। थोड़ा सा भून लें, थोड़ी सी हींग डाल दें, इससे बहुत अच्छी स्मेल आएगी। अब मैंने ये एक चम्मच बेसन ले लिया है, इसे भी ऑयल में डाल दें, थोड़ी देर भून लें ताकि जो कच्चा है थोड़ा सा पक जाएगा। ये देखिए बेसन भून गया है, अब इसमें ये पेस्ट डाल देते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने दो टमाटर और तीन चार लहसुन की कलियां और थोड़ा सा प्याज को पीस लिया था, अब इसे भी पका लेते हैं। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक के लिए तेल ऑयल बिल्कुल अलग ना होने लगे। ये देखिए अब अच्छे से मसाला पक गया है, अब इसमें ये लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च है, बिल्कुल तीखा नहीं है। थोड़ा सा धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आप इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। अब इसे सारे मसालों को थोड़ा सा भून लें। ये देखिए सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, अब इसमें आलू डाल देते हैं। मैंने इसे बॉयल करने के बाद थोड़ा सा मैश कर लिया था हाथ से ही, ताकि जो टुकड़े हैं बिल्कुल ना रहे इसमें, और इसे भी डाल दिया मैंने। और अच्छे से मिक्स कर दें ताकि सारे मसाले अच्छे से आलू में लग जाए। ये देखिए सारे मसाले आलू में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो चलिए अब इसमें पानी डाल देते हैं। मैंने ये एक गिलास पानी लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको इसकी ग्रेवी पसंद हो, और इसे मिक्स कर दें। इसके साथ ही मैंने सौंफ को थोड़ा सा दरदरा कूट लिया था, इसे भी डाल दें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसे कवर कर देंगे और अच्छे से बॉयल आने तक पका लेंगे। 5-10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अभी इसे ओपन कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी जो परफेक्ट पूरी ग्रेवी बन गई है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब इसमें थोड़ा सा हम कस्तूरी मेथी डालेंगे, और ये थोड़ा सा गरम मसाला, अमचूर पाउडर, जिससे कि जैसे हम लोग बाहर खाते हैं थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगता है उसकी सब्ज़ी ग्रेवी, तो हम लोग भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर दें, और ये हमारी सब्ज़ी बनके रेडी होगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको खाने में। तो चलिए इसकी फ्लेम बंद कर देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। मोट कचौड़ी की सब्ज़ी परफेक्ट रेडी हो गई है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मोट बनाना। इसके लिए मैंने थोड़ी सी मोट ले लिया है, इसे थोड़ा सा हाथ से ऐसे क्रश कर लेंगे और बाउल में डाल देंगे। अब ये प्रिपेयर की हुई सब्ज़ी भी डाल देंगे। ये देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है, जैसे हम लोग स्ट्रीट में खाते हैं वैसे ही। और इसके साथ ही ये मैंने थोड़ा सा ले लिया है हरी मिर्च, हरी धनिया, थोड़ी सी नींबू, थोड़ी सी मूली, थोड़ा सा प्याज, तो चलिए एक एक करके सब डाल देते हैं। फ्रेंड्स आप भी ऐसे बनाए बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। और ये नींबू डाल दें, नींबू बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा खट्टा हो जाता है इससे। और इसके साथ ही चाट मसाला डाल देते हैं। और एक और थोड़ा सा फोड़ देते हैं, इसे डाल दें। ये देखिए परफेक्ट मोट कचौड़ी बन के रेडी हो गई है, और कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।